नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। जब से सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई जांच के पास पहुंचा है, लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। सुशांत के फैंस के साथ साथ कई बॉलीवुड स्टार्स भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बड़ी बड़ी हस्तियां इस मामले पर चुप्पी साध रही है। उन्हीं में से एक है अमिताभ बच्चन, जो कि अब कंगना रनौत के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि कंगना इस केस की शुरुआत से ही मूवी माफियाओं पर अपनी तीखी टिप्पणी करती आई है, जहां पर मुंबई पुलिस की जांच के साथ उन्होंने नेपोटिज्म का मामला तेजी से उठाया था। वहीं सुशांत सिंह केस पर कई बड़े स्टार्स की चुप्पी पर भी कंगना रनौत ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार कंगना रनौत ने अमिताभ बच्चन पर सवाल उठाया है। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कंगना ने कहा, अमिताभ बच्चन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक हैं। वो राम मंदिर के भूमि पूजन पर किसी को बधाई नहीं दे सकते, ये माफिया का डर है। मैं उन्हें जज नहीं करना चाहती और ना ही मैं ये कहने वाली कोई होती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन जिस तरह के उनके संस्कार हैं, जिस तरह के ट्वीट वो करते हैं और जिस तरह से हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, ये देखकर मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें खुशी नहीं हुई होगी, लेकिन कोई तो डर होगा अपना या अपने बच्चों के बॉयकॉट होने का या लोगों का उनके खिलाफ गैंग अप होने का, वरना ये क्यों बधाई का ट्वीट नहीं करेंगे। वो सुशांत के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते। अब आप सोचिए क्यों, जब अमिताभ जी इतने डरे हुए हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। मैं नहीं मानती कि उनका दिल नहीं रोया होगा, क्योंकि जिस तरह का सुशांत था, जिस तरह से वो सबका मन मोह लेता था, वो मेरी तरह बड़बोला नहीं था, वो हमेशा सबसे दोस्ती करके रखता था और सबका मन मोहित कर लेता था, तो उनका भी दिल रोया होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते। तो देखा आपने, कंगना ने ना सिर्फ सुशांत मामले को लेकर बल्कि राम मंदिर भूमि पूजन पर भी चुप्पी साधने को लेकर अमिताभ पर निशाना साधा है। ये बॉलीवुड माफियाओं का डर है कि अमिताभ ने चुप्पी साधी हुई है। साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि अमिताभ इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो और उनके बच्चों को बॉयकॉट न कर दिया जाए। अमिताभ से पहले कंगना आमिर खान और अनुष्का शर्मा की चुप्पी पर भी सवाल उठा चुकी हैं, जो कि सुशांत के साथ फिल्म पीके में काम कर चुके हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना के इन स्टेटमेंट पर अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं।